अरब के पिछले 24 घंटों की ताजा तरीन के साथ मैं हूँ शामिल करेंगे हेडलाइंस सफरी पाबंदियों की वजह से दुबई के वीजे खत्म होने की मियाद में 9 दिसंबर 2021 तक तोसी कर दी गई है यू ए के मुसाफिरों के लिए सियालकोट एयरपोर्ट पर रैपिडीसी सऊदिया में मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस उनतीस रोकनी गैंग गिरफ्तार पाकिस्तानी भी रिहायशी वीजा रखने वालों के लिए अमारात ने कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की शर्त खत्म कर दी है अंदरूनी मुमलिकत से उम्र जायरी की तादाद बढ़ गई है यह तमाम खबरें आज की बुलेटिन में शामिल होंगी और अब खबरें तफसील के साथ खलीज टाइम के मुताबिक दुबई में तारकिन वतन जिनके रिहायशी वीज़े कोविड नाइन्टीन सफरी पाबंदियों की वजह से ख़त्म हो चुके थे नौ दिसंबर दो हज़ार इक्कीस तक खुदकार निज़ाम के ज़रिए वीज़ों में तोसी दे दी गई है बहुत से बाशिंदे जो वीज़े ख़त्म हो चुके थे वो अब दोबारा आ सकेंगे मुतहदा अरब अमारा में सफर करने से पहले इन्हें सफर से पहले जी डी आर एफ ए की मंजूरी के लिए दरखास्त देने और हुकूमत के मुक्र करदा दीकर तमाम आर टी पी सी आर टेस्टिंग प्रोटोकॉल पर अमल करने की ज़रूरत है तफसी के मुताबिक सिर्फ दुबई के रिहायशी वीज़ा रखने वालों को ये सहूलत दी गई है दीगर अमारा में रहायशों की हैसियत फौरी तौर पर वाजह नहीं है वो रिहायशी जो मुतहदा अरब अमारात के बाहर छः माह से ज़्यादा अरसे से रहे हैं वो भी वापस आ सकते हैं खबर देंगे आपको यहाँ पर सऊदिया में मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस उनतीस रुकनी गेंग को गिरफ़्तार कर लिया गया है ख़बर दे रहे हैं आपको सऊदिया में मनी लॉन्ड्रिंग पर काबू पाने के लिए जहाँ मवसर कवानीन बनाए गए हैं वही खसूसी मेकनिज़म भी तैयार किया गया है जिसकी वजह से गुजशत दो सालों से खास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस सैकड़ों अफराद पकड़े जा चुके हैं जिनकी गैर कानूनी सरगर्मियों के नतीजे में की मीशत को नुकसान पहुंच रहा है एक ऐसी ही ताज़ा तरीन कार्रवाई में उनतीस अफराद का गैंग पकड़ा गया है जिनका ताल्लुक मुख्तलि मुमालिक से है मुलजमान सोने के कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस पाए गए हैं मक्का मुकरमा पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में से दस का ताल्लुक सऊदी अरब से और पंद्रह का यमन से जबकि मिसर पाकिस्तान और बंगलादेश का एक एक शहरी भी शामिल है एक अंदाजे के मुताबिक पुलिस तर्जुमान ने बताया है के मुलमान की सरगर्मियों पर बहुत से अरसे नजर रखी गई थी पर के वो मनी लॉन्ड्रिजला के रकम कर बाहर भिजवा रहे थे मुलमान के कब्जे से साठ करोड़ और एक सौ एक किलोग्राम सोना बरामद हुआ है सऊदी अरब में उम्र के

फ़ायदा उठाया जाए मुकदस मसाजिद की इंतजामिया ने उमरा जायरीन की बड़ी तादाद के पेश नज़र सैनिटाइजिंग सफाई और कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर के इंतजाम में भी इजाफा कर दिया रहे कि अंदरूनी से उम्रा मस्जिद नबवी की जीतारत मस्जिद में नमाज की इजाजत नामों के इजरा के लिए वैक्सीन शर्त है खबर देंगे यहां पर आपको नशाआवर गोलिया फरोख करने पर चार एशियाई मुलजमान गिरफ्तार ने नशा गोलिया फरोख्त करने पर चार पाकिस्तानी तारकिन को गिरफ्तार किया हैदादी मंशियात के तर्जुमान में मोहम्मद अल नजीदी ने कहा है कि मुल्क की सलामती और नौजवानों को निशाना बनाने की हर कोशिश नाकाम बना देंगे गिरफ्तार सुदगान को खसूस फोर्स के मदद से रंगे हाथों रियाज शहर में काबू किया है गिरफ्तार सुदगान से तफ्तीश जारी है जाबते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है यहाँ पर अहम खबर दे रहे हैं आपको अमारात के रिहायशी वीज़ा रखने वालों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की शर्त ख़त्म हो गई है मुतहदा अरब अमारात ने सफरी जवाब पर नज़रसानी करते हुए रिहायशी वीज़ा रखने वाले पाकिस्तानी समेत छह मल्कों के शहरों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की शर्त ख़त्म कर दी है मंगल को अमेरट्स एयरलाइंस की जानब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका नेपाल नाइजेरिया और योग्डा के शहरों को अमारात में दाखिले के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है अमेरिट्स की वेबसाइट पर शाया होने वाले नए सफरी हदायतनामे के मुताबिक यू ए, -ए का रिहायशी वीज़ा रखने वाले तमाम मुसाफिर कुछ शराब के साथ सफर कर सकते हैं दुबई वीजा होल्डर्स को डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फारन अफेयर यानी जी डी आर एफ ए के जरिए दाखिले से पहले के इजाजतनामे के लिए दरखास्त देना होगी मुसाफरों के पास परवास की रवानगी से अड़तालीस घंटे पहले हासिल किया गया कोरोना टेस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए सिर्फ इन लिबार्टियों से हासिल की गई कोविड नाइनटीन पी सी आर टेस्ट रिपोर्ट काबिल कबूल होंगी जो असल रिपोर्ट के साथ क्योंकि कोड मुहैया करती है मुसाफरों के पास रवानगी कोविड होना चाहिए तीन शराब से इससे हासिल होगा लेकिन करवाना होगा मजीद कहा गया है कि यू के शहरों के अलावा ऐसे तमाम मुसाफरों पर पाबंदी होगी जिन्होंने इंडिया नेपाल नाइजीरिया पाकिस्तान श्रीलंका और युगंडा का हाल ही में सफर किया हो गुज जुमे को पाकिस्तान से दुबई जाने वाले बहुत सारे मुसाफरों को फ्लाइट से चार घंटे पहले करवाए गए दिया था। के ने कहा था के किसी भी एयरपोर्ट पर इनके पास रेपिड पीसीआर टेस्ट की सहूलत मौजूद नहीं है यहां पर एक नहायत ही अहम खबर से आपको आगाह करके आगे बढ़ेंगे यू ए के मुसाफरों के लिए सियालकोट एयरपोर्ट पर रैपिड पी सी आर टेस्ट मुतार सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुतहद के मुसाफरों के लिए कोरोना वायरस का रेपिड पी सी आर टेस्ट मुतार एयरपोर्ट है जिस पर रेपिड पीसीआर टेस्ट मुतार है पी आई ए के तर्जुमान के मुताबिक टेस्ट के पेश नज़र मुसाफिर कम अज़ कम पांच घंटे कबल एयरपोर्ट आए और टेस्ट करवाए सी आई ए के तर्जुमान ने मजीद बताया है कि सियालकोट से दुबई के लिए खसूस परवाजें भी शुरू कर दी गई है पी आई ए की परवाजें बारह और तेरह अगस्त को सियालकोट से दुबई के लिए रवाना होगी मुतहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान और इंडिया समेत छह ममालिक से आने वाली परवाज़ों पर आयद पाबंदी में नरमी का एलान करते हुए पांच अगस्त से ट्रांजिट मुसाफरों को दाखिले की मशरूत इजाजत दी थी मुतहदा अरब अमारात की नेशनल इमरजेंसी एंड क्राइसिस मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका नेपाल नजरिया और योगंडा के वो शहरी जिनके पास अमाराती अकामा है वो वापस आ सकते हैं अरब न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान सिविल एवियशन ने कहा है कि मुल्क के पास रेपिड पीसीआर टेस्ट करने के लिए वसाइल नहीं है और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की सहूलत एयरपोर्ट्स पर मुहैया है सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक मैनेजर ने बताया है कि लेबॉटरी की मदद से एयरपोर्ट पर रैपिड पीसीआर टेस्टिंग की सहूलत का इंतजाम किया गया है और कहा है कि टेस्ट के लिए मुसाफरों को खुद अदायगी करना होगी कोरोना वायरस की नई किस्म डेल्टा के बढ़ते हुए केसेस की वजह से मुतहदा अरब अमारात समेत कई ममालिक ने पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी थी ताहम सफरी पाबंदियों में नरमी के बाद ऐसे मुसाफिर जो मुतहदा अरब अमारात का सफर करेंगे या जो यू ए, -ए के एयरपोर्ट्स को ट्रांजिट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे इनके लिए कोरोना के टेस्ट के मनफी रिपोर्ट साथ लाजमा लाना जरूरी है आज के लिए इतना ही अगली बुलेटिन तक इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज